बड़े भाई साहब, ये चैप्टर जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसमें पहला जो प्रश्न है वह है, प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाता किससे जोड़ा? तो इसका चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है जनजीवन से उन्होंने साहित्य का नाता जोड़ा था। अगर आपको सही क्वेश्चंस पहले से आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? तो आर्थिक तंगी से वो जूझते रहे थे, यानी कि उनके पास धन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं से किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? इसका उत्तर है भाषा शैली की। भाषा शैली की उच्च कोटि की रचना है उनकी, बड़े भाई साहब। उसके बाद प्रश्न आता है, मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाए? इसका सही जवाब है, फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण, यानी कि वह नहीं चाहते थे कि फिल्म निर्माताओं के अनुसार लिखें, वो खुद के हिसाब से लिखना चाहते थे। प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर है आत्मकथात्मक शैली में यह कहानी लिखी गई है। प्रश्न है, प्रेम जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? क्यों हो गया था उनका शरीर जर्जर? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण उनका शरीर जो है जर्जर हो गया था, यानी बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। प्रश्न है, प्रेम जी प्रमुख रूप से क्या थे? तो आपको सही उत्तर देना है इसका, यहाँ पर उत्तर है कथाकार। प्रश्न है, प्रेम जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है? इसका सही उत्तर है शोषक एवं शोषित वर्ग को उन्होंने वर्णित किया है। आप जब उनकी कोई भी उपन्यास या कहानी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो शोषित लोग हैं, जो शोषण जिनका हुआ है और शोषण करने वाले यानी शोषक लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। प्रश्न है, इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तो बड़े भाई साहब कहानी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का सुंदर मिश्रण किया गया है। प्रश्न है, प्रेम जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी थी। प्रश्न है, प्रेम जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? तो यह 8 भागों में संकलित है। लेखक के बड़े भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? तो वह 5 साल उनसे बड़े थे। प्रश्न है, भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी नहीं करते थे? तो वो शिक्षा के मामले में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते थे। प्रश्न है, वे हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? क्यों करते थे साल में 2 या 3 बार? क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना उन्हें पसंद था, इसलिए हर काम को साल में 2-3 बार करते थे। प्रश्न है, अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था? तो वह सारे काम करता था। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 दीवारी पर चढ़ता उतरता, कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कंकर उछालता था, सारे काम करता था। प्रश्न है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो उत्तर होगा पतंग उड़ाने की कला में वह निपुण थे। प्रश्न है, लेखक को मूर्ख रहना क्यों पसंद है? मूर्ख रहना क्यों पसंद है उसे? क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता, पढ़ना उसके वश में नहीं था और भाई साहब के उपदेश सुनना भी उसे पसंद नहीं था। तो यानी 3 ऑप्शन सही हैं, तो सभी आंसर आएगा। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? भाई साहब के उपदेश सुनने से उसके दिल के टुकड़े हो जाते थे। प्रश्न है, भूमंडल का स्वामी कौन था? यहाँ पर उत्तर है रावण। प्रश्न है, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? ये जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हो ना, वो सभी उत्तर सही हैं, क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था, भाई साहब फेल हो गए थे, भाई साहब उपदेश देते थे, तो ये सभी बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? तो उत्तर है, जो आत्मगौरव को मार डाले ऐसी बुद्धि व्यर्थ है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछा करते थे? तो
सवाल पूछा करते थे, अब तुम कहाँ थे? ये सारे प्रश्न मैंने आज आपको बड़े भाई साहब कहानी के बताए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लेना। और अगर आपको किसी और चैप्टर के MCQ की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि सभी बुक्स आप नहीं ख़रीद पाएंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स से पढ़ाया जाता है। तो आप ये कोई भी अच्छी गाइड आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन में स्कूल्स खुले नहीं हैं, तो कोई अच्छी कंपनी की आप गाइड ले सकते हो, मैं आपको ट्राई करके भी बता दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के सारे वीडियोज़ आपको